हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक सम। द स्टेटमेंट है, अ लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड लाइज इन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद वीपी। पॉइंट ए इज 10 mm फ्रॉम बोथ द रेफरेंस प्लेन्स, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। दोस्तों, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हमको दी गई है, जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है उसमें हमारी टोटल लाइन कंटेंट है और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। इनडायरेक्टली हमको प्लान एंगल बीटा दिया हुआ है। जो डेटा है हमारे पास वो है लाइन ए बी दैट इज ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 80, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दैट इज इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड प्लान एंगल बीटा इज इक्वल टू 45। दूसरा एक पॉइंट हमको ये दिया है, पॉइंट ए दैट इज 10 mm फ्रॉम द बोथ रेफरेंस प्लेन्स, मीन्स यू कैन से दैट इट इज 10 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारी एक्स वाई लाइन बनेगी। उसके बाद जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए को हम लोग लोकेट करेंगे। तो यहां से हम लोग बनाएंगे एक परपेंडिकुलर लाइन दैट इज अ प्रोजेक्टर ऑफ ए। हमको पॉइंट ए का प्रोजेक्शन दिया है 10 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि ये एक्स वाई के ऊपर 10 mm होगा और यहाँ पे 10 mm होगा। ये जो पॉइंट है दैट इज एडेस दैट इज एलिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट और ये हो जाएगा ए। सेकंड डेटा जो हमको दिया है दैट इज लाइन इज इंक्लाइन 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो पॉइंट ए से हम लोग एक 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे और ये अगर 60 है यानी कि ट्रू इंक्लिनेशन वाली जो हमारी लाइन है तो ये जो एंगल हमारा होगा दैट इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60। लाइन की जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 9, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 80। तो यहां से हम लोग 80 से लेके एक पॉइंट बनाएंगे, ये जो पॉइंट मेरा बन जाएगा दैट इज बी डैश टीएल। अब क्या होगा, यहां से हम लोग पैरेलल बी डैश टीएल से प्रोजेक्टर ट्रांसफर करेंगे। ये जो लाइन हमको मिलेगी ये जो लाइन होगी जो ऐसे पास होती है और ये हमको प्लान की साइज देगा, दिस इज साइज ऑफ द प्लान। दूसरा यहां पे हमारा एक लोकस बन जाएगा। अब सेकंड जो डेटा है दैट इज बीटा इज इक्वल टू 45। अगर प्लान एंगल बीटा हमारा 45 है तो यहां से जो प्लान हमको मिला है उसको हमको टर्न करना पड़ेगा 45 डिग्री। तो ये जो प्लान की लेंथ है उसको हम लोग टर्न करेंगे और उसका जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 45। तो ये आपका एग्जैक्ट पोजीशन बन जाएगा बी, ये हमको मिल गया बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दूसरा हमको यहां से एक लोकस मिलेगा, लोकस बी से। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो बी मुझे यहां पे मिला तो उसका एक प्रोजेक्टर जाएगा ऊपर। ये जो हमारा लोकस है विच कंसीडर्ड एज विच कंटेन्स बी डैश एज वेल एज ट्रू लेंथ का पॉइंट, ये जो हमारा लोकस है विच इज कंसीडर्ड दिस इज लोकस फॉर बी एज वेल एज ट्रू लेंथ का पॉइंट। ये जो बी से हमने ऊपर जो पॉइंट लिया ये वो मुझे देगा बी डैश और एडेस और बीडेस को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वो हमको देगा एलिवेशन का लेंथ। एलिवेशन एक्स वाई से जो एंगल बनाएगा दैट इज इक्वल टू बीटा। अब दोस्तों हमको फाइंड करना है फाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिवेशन है एलिवेशन को हम लोग पैरेलल करेंगे। यहां से मैंने ये पैरेलल किया, पैरेलल करने के बाद यहां से वर्टिकली वो डाउन जाएगा अप टू लोकस ये पॉइंट पे।
जैसे मुझे ये यहाँ पे पॉइंट मिला, ये मेरा टू लेंथ वाला पॉइंट है, मैंने ए और बी टू लेंथ का पॉइंट ज्वाइन किया, ये मेरी टू लेंथ है। ये जो मुझे एंगल मिलेगा दैट इज इक्वल टू 5 एक्चुअल एंगल विद द वर्टिकल प्लेन। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग एलिवेशन लेंथ, प्लान लेंथ, एलिवेशन एंगल अल्फा, प्लान एंगल बीटा एंड एक्चुअल इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन, ये सारे पैरामीटर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये चैनल आप देखते रहिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।